सारी रेस लगाना चाहता है गाइस, बुलेट वर्सेस प्लेयर, ये आदमी का क्या होना चाहिए बताओ। हर आज मैं हाल तो है गाइस, वेलकम टू माय बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मौसी का घर, जो कि मौसी ने बुलाया है। पता नहीं वो लोग का गांव में क्या होता है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मौसी बोली है कि यहाँ पे कुछ सेक्शन उक्शन हो रहा है, जग, जो कि हम लोग का गांव में देहात में बोलते हैं जग, जिसको वही हो रहा है। तो मैं, मेरा मामू, मेरा मम्मी, मेरा सिस्टर, छोटी सिस्टर और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं हम लोग मौसी लोग का घर। और भी आएगा, मेरा मामी लोग भी आएगा गाइस। तो वहाँ का आप लोग को एंजॉय दिखाएंगे कि कितना एंजॉय करते हैं, नहीं करते हैं। और उसके बाद जो विसर्जन के दिन जो सीन होगा गाइस, वो तो कतई जर वाला सीन होगा, क्योंकि काफ़ी एंजॉय आने वाला है विसर्जन के टाइम, जो कि लास्ट आखिरी दिन होता है, जो कि मूर्ति सबको फंसाया जाता है गंगा पानी में, जो कि उसको आखिरी दिन बोलता है गाइस। उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय वाला दिन है गाइस, क्योंकि मस्ती एंजॉय भरपूर रहेगा उसमें, गर्ल रिएक्शन हर चीज़ आप लोग को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल शायद रास्ते में आप लोग को गर्ल रिएक्शन भी शायद मिलेगा, या बॉयज़ रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन। तो पहले तो जाएंगे पेट्रोल भरने गाइस, पहले बोलेंगे भाई 5 रुपया का पेट्रोल भरो, तो देखते हैं पेट्रोल पंप वाले का क्या रिएक्शन होता है, नहीं होता है। तब उसके बाद देखा जाएगा कि कितना भरा हुआ है, भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो अब तक देखना, स्किप मत करना मेरा वीडियो को, जो कि इसमें भरपूर इंजॉय वाला वीडियो है गाइस, जो कि जहाँ पे भी निकलते हैं वहाँ पे भी इंजॉय वाला ही वीडियो बनता है गाइस। तो गाइस आज हम सिर्फ अकेले निकले हैं, मिथिलेश मोटो ब्लॉगर भैया नहीं आया है मेरे साथ, तो हम सिर्फ अकेले निकले हैं। तो देखते क्या सीन होता है, नहीं होता है, लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है गाइस। तो कुछ इधर का ये ज़्यादा व्यू है गाइस, जो कि बाहर से रूट पड़ता है यहाँ का, कुछ ऐसा व्यू है। आज फिर से मेरे पास स्प्लेंडर प्लस है गाइस, जो कि अब यही वाला बाइक लेके वीडियो बनाएंगे, जो कि तबाही वाला बाइक है कत ही जर। अब इसको धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे गाइस, क्योंकि उतना बजट तो है नहीं अभी फ़िलहाल मेरे पास, तो डायरेक्टली पूरा फुल मॉडिफाई कर दे इस बाइक का, तो हाफ हाफ करेंगे, जैसे मिथिलेश मोटो ब्लॉगर भैया ने अपना पल्सर को किया है हाफ मॉडिफाई, वैसे ही हम भी करेंगे हाफ मॉडिफाई। पापा से तो परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि बाइक को मॉडिफाई करे कि नहीं करे, घर का आदमी मतलब पापा से तो हर कोई इजाज़त लेता है। तो गाइस पापा के बिना तो कुछ कर नहीं पाएंगे बाइक को, कि पापा जब बोलेगा तब उसके बाद करेंगे मॉडिफाई। मम्मी को बोले तो मम्मी ने बोला है कि हाँ बेटा कर ले मॉडिफाई, मतलब समझते ना, मम्मी एक ऐसा प्रकार का ही है जो कि बेटा को हर चीज़ का ख्वाहिश देना चाहता है, जो कि बेटा ये मम्मी बेटा को कभी नहीं मना करता है। तो माँ कुछ ऐसा प्रकार का होता है गाइस, माँ के जैसा प्यार कोई दे ही नहीं सकता है गाइस इस दुनिया में, माँ के बिना। तो गाइस पेट्रोल पंप आ चुके हैं, मामा लोग भी आ गया है। तो भैया को बोल रहे कि भैया का क्या रिएक्शन है, 5 रुपये का भर दीजिए, तो 5 रुपये का, 5 रुपये का पेट्रोल भैया, हाँ दे दीजिए, हाँ नहीं 200 का कर दीजिए, हाँ। तो भैया को बोले 5 रुपये का पेट्रोल, तो 5 रुपये का पेट्रोल ले देता है यहाँ पे। तो गाइस निकलते हैं, अब निकलते हैं, फुल्ली पेट्रोल भर चुके हैं, अब निकलते हैं मौसी लोग का घर, जो कि वहाँ पे पता नहीं क्या सीन है, नहीं है वहाँ पे जा रहे हैं। और ये ट्रक वाला भी ना बहुत ही करता है गाइस, हाला आगे बढ़,
यार खोल दे भाई यार, ये इधर भी रुकना पड़ेगा यार। अच्छे बाय। यार अंकल का क्या रिएक्शन था यार कसम से, लग रहा है अंकल पहली बार ये वाला ये सेटअप देख रहा है कि हेलमेट पे कौन लगाता है फोन क्योंकि मोबाइल। यार तो कैसे हैं आप लोग गाइस, देख रहे हो क्या उंगली कर रहा है यार, ये आदमी का क्या होना चाहिए बताओ। हर अजब है हाल, हेलमेट खोलने के लिए बोल रहा है गाइस। तो गाइस गेट खोल गया यार, तो निकलते हैं अब तो, खोल दे बेटे। तो यार ये भैया का क्या होना चाहिए यार, फिंगर दिखा रहा है। यार अपन रुकने वाला सामान नहीं है गाइस, अपन रुकने वाला चीज ही नहीं है यार गर्मी में। यार कसम से काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। तो मेरे साथ ये रेस लगाना चाहता है गाइस, बुलेट वर्सेस स्प्लेंडर प्लस, ये तो नामुमकिन है यार। हाँ बुलेट का स्प्लेंडर प्लस यार, वही भैया है जो कि फिंगर दिखाया था यार। जब अपने पास अच्छा बाइक आता है तब किसी के साथ रेसिंग करेंगे भाई, वो सब आप लोग के ऊपर सपोर्ट है गाइस, सपोर्ट करोगे तो अच्छा बाइक भी कर सकता है भाई। यही बोला तो स्प्लेंडर प्लस भी उतना खराब नहीं है गाइस, हर एक लड़का के पास ये वाला बाइक पाओगे, ये बाइक सबसे ठीक है यार। इसका मोटिव भाई इतना ही खतरनाक है कि सब गाड़ी को फेल कर देता है ये अपने सामने।